दीदी मेरी मदद करो मनी ढूंढने में। तुम मदद नहीं करोगी ना, मैं भैरवनाथ के साथ नहीं लड़ पाऊंगी और वो मुझे खत्म करके मनी हासिल कर लेगा। ज्यादा सोचो मत दीदी, हाँ कह दो, हाँ कह दो दीदी, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम मुझे बताओ क्या करना होगा। पहले बैठो, तुम्हें बस ओम नमः शिवाय का जाप करना है, बाकी सब भोले बाबा संभाल लेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना दीदी, जब तक 201 बार इस मंत्र का जाप ना कर लो, रुकना मत। चाहे कुछ भी हो जाए दीदी, इस मंत्र को बीच में अधूरा मत छोड़ना। ठीक है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कभी भी उस असली मणि तक नहीं पहुंच पाएगी।
मुझे शक्ति दे। ये क्या हो रहा है माँ? मुझे शक्ति दे माँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? अच्छा ठीक है, जाओ ठीक है, जाओ। चिंता मत कर, मैंने सब संभाल लिया है, उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा। अभी भी उस हालत में नहीं हूं कि मैं मनी की रक्षा कर पाऊं। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं कुछ और दिन यहां रुक जाऊं? मैं वादा करती हूं, जैसी ताकत वापस आ जाएगी ना, मैं यहां से चली जाऊंगी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हम सब ने तुम्हें अपने मन से अपनाया है, इसलिए इस घर पे तुम्हारा उतना ही हक है जितना हम सबका। तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकती हो। सच्ची? मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूँ जो आप सब लोग मुझे मिले। मैं वादा करती हूँ दीदी, मैं आप सबको हमेशा खुश रखूंगी। देखो नैना, बुरा मत मानना, जादू से मुश्किल काम को आसान कर देना अलग बात है, लेकिन किसी की पर्सनैलिटी को बदल देना ये अलग बात है। तुम्हें बिट्टू भैया के ऊपर जादू नहीं करना चाहिए था। लो, मुझे लगा तुम मेरी तारीफ करोगी, और वैसे भी मैंने जो कुछ भी किया वो सब बिट्टू भैया की खुशी के लिए ही तो किया। देखो, मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपने जादू का उपयोग ऐसे इंसान पे करो जो जो कमजोर हो, जो लाचार हो, ऐसे पर नहीं जो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। अब तुम समझ रही हो ना? हाँ। थैंक्स नैना मेरी बात को समझने के लिए। Thank you.
ये लो प्रसाद। बिट्टू के कारनामे में मैं प्रसाद देना भूल ही गई थी। अम्मा साहब, आप आज मंदिर से हो आई, आपको कल भी जाना चाहिए, आपका जन्मदिन जो है। कल भी चली जाऊंगी? अरे दो बार मंदिर चली जाऊंगी तो भगवान नाराज हो जाएंगे के? अम्मा साहब, आप इतनी स्वीट हो कि भगवान तो आपसे नाराज हो ही नहीं सकते। बस बस, बातों बातों में एक बात बताना भूल ही गई। आज जो मैंने मंदिर में देखा ना, उसे देखकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। क्या देखा? एक मुंह वाला रुद्राक्ष। जैसे ही पंडित जी ने उसे हमारे हथेली पे रखा, मारा मन उसके ठंडक से एकदम शांत हो गया। इतना आनंद मुझे पहले कभी नहीं आया। मैंने पंडित जी से कहा भी कि एक मुंह वाला रुद्राक्ष मारे को भी मंगवा दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा दुर्लभ है, नहीं मिलता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार उसे छू तो लिया, ये कोई कम है। चलो तुम लोग जल्दी जल्दी काम निपटाओ, मैं बिंदनी को प्रसाद देकर आती हूँ। जी अम्मा सर। मैं कोशिश करके देखती हूँ, कहीं से एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो कल अम्मा सा का दिन बन जाएगा। अम्मा सा, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। अम्मा सा, आज आपका 80वां जन्मदिन है। ईश्वर करे आप इसी तरह जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ जन्म मनाती रहें और हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। सदा सुखी रहो। तुम लोगों के प्यार में इतने साल निकल गए तो बाकी के साल भी निकल ही जाएंगे। भगवान तुम सबको हमेशा खुश रखे, बस इससे ज्यादा हमारे को और कुछ ना चाहिए। ठीक है मसा, अभी हम ऑफिस जाने की तैयारी करते हैं। शाम को आपका बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे। हाँ मसा, हम लोग भी चलते हैं, दुकान खोलनी है, शाम को मिलते हैं। हमें भी अमासा के लिए छप्पन भोग की तैयारी करनी है। आइए। हेलो, मैंने आपको कल फोन किया था ना, वो एक मुखी रुद्राक्ष के लिए, वो आ गया है क्या? आ गया? दो घंटे में, लेकिन दो घंटे में मैं नहीं आ पाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। लवली, तुम एक काम करो कि खीर बना लो, अम्मा सा को तुम्हारे हाथ की खीर बहुत पसंद है, खुश हो जाएंगे। जी मास। मैं खीर आके बना लूंगी, पहले जाके खुद रुद्राक्ष ले आती हूँ। हाँ मैं मासा को बता देती हूँ कि मैं खीर आके बनाऊंगी। अभी ऑफिस गए हो, एक घंटा भी नहीं हुआ और मेरी याद आने लगी तुम्हें। क्या करूं माय लव, बात ही कुछ ऐसी है। तुम्हें पता है, 4 महीने के टारगेट्स मैंने 2 दिन में पूरे कर दिए और मेरे बॉस ने मुझसे खुश होकर मेरे ऑनर में एक लंच की पार्टी रखी है। हाँ? कांग्रेट्स। सिर्फ बधाई देने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इस पार्टी में आना होगा, बॉस ने खुद कहा। कार्तिक, मैं कैसे आऊंगी? तुम्हें पता है ना घर में आज कितना काम है। अरे लवली देखो, तुम्हें आना पड़ेगा वरना अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए आ जाना। अब अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके बाय। अकेली जान, इतने सारे काम, अब मैं क्या क्या करूँ? दीदी अब परेशान क्यों हो तुम? नैना मत पूछो, मुझे मार्केट जाना है, अम्मा सारा गिफ्ट लाना है, फिर घर आके खीर बनानी है और घर डेकोरेट भी करना है। ऊपर से कार्तिक का फोन आ गया,
कि उसके ऑफिस में कोई लंच पार्टी है और मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा सब काम कैसे होंगे। अब तुम चिंता मत करो। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ, जो भी काम है ना तुम जाके निपटा लो, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। हाँ ठीक है। अब क्या करूं मैं, दीदी तो सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर सबको बिना बताए चली गई। नैना अब सब कुछ तुझे ही संभालना होगा। ओए सोच क्या रही है, मैंने पूछा लवली कहाँ, वो और कहा अपने कमरे में होगी। जरूर कुछ बड़ा सरप्राइज प्लान कर रही होगी अम्मा सा के लिए, चलकर उसकी मदद करते आ। क्या होगा, अब मैं क्या करूं। लवली, ओए लवली, लवली कहाँ चली गई। जी भाभी। भाभी सा कब से। वो गलती से मुंह से निकल गया। अच्छा एक बात बता, अकेली अकेली हमसे छुपकर क्या करी थी आपे। हाँ वो हमें पता, तो अम्मा सा को सरप्राइज देने के लिए इतनी तैयारी शैयारी कर रही है ना। हाँ वो मैं सोच रही थी कि मैं हॉल की सजावट कर दूँ, अच्छा लगेगा। अरे वाह बहुत बढ़िया, अम्मा सा तो खुश हो जाएंगी। हाँ चलो चलो चलो। ओहो कितना काम है, ये नैना कहाँ रह गई। काम में थोड़ा हाथ बटा देती तो सारा काम जल्दी निपट जाता। मैं अभी आवाज लगाती हूँ। हाँ। नैना नैना। भाभी भाभी आप तो चलिए, मैं अभी आती हूँ। ओए लेकिन जल्दी आना। हाँ हाँ बहुत काम है। नैना, अरे नैना, मिसेस कौशिक की पांच बहुएं।